अस्सलाम वालेकुम, बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है सोयाबीन लिया है, ये मिनी सोयाबीन है। आप इसका साइज़ जो है इतना बड़ा भी आता है, आप चाहे तो वो सोयाबीन भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे जो है हाफ़ एन आवर के लिए सोक कर लिया था वार्म वाटर में। तो उसके बाद जो है इसका पानी अलग करके मैंने जो है ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लिया था। दरदरा सा पीस लीजिएगा ना, ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा। इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप इस तरह से आप जो है ग्राइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन के कटलेट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ऑनियन को बारीक कटी हुई, चॉप कटी हुई ऑनियन इसमें ऐड करूँगी। प्याज क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप चाहें तो इसके साथ कोई भी आपकी मनपसंद वेजिटेबल्स हो आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट, पिनेस, कैप्सिकम, स्प्रिंग ऑनियंस। तो मैं यहाँ पर जो है बॉयल किया हुआ पोटैटो ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया था मैंने, और ग्रीन चिलीज, करेंडर लीव्स, खोती में जिसे बोलते हैं उर्दू में। तो इन सब को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स किया है मैंने। अब जो है मैं यहाँ पे इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिएगा। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन, हाफ टेबल स्पून ऑफ जीरा, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, क्रश किया हुआ काली मिर्च। इन सबको भी मैं जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन, इन सबको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने जो है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए कटलेट का शेप देना स्टार्ट करते हैं। मैं उसी हाथों से जो है इस तरह से आप राउंड कीजिए, आप जिस तरह से आपका जिस तरह से मन चाहते हैं आप उस तरह से उसको शेप दे लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है परफेक्ट राउंड शेप दूँगी, परफेक्ट तो नहीं बोल सकती बट हाँ, इसे राउंड शेप दूँगी कटलेट की तरह ही। आप इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप सारी कटलेट जो है शेप बना लीजिएगा कटलेट्स की। तो मैंने यहाँ पे जो है एक एक करके इसका पूरा शेप बनाने हैं कटलेट का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे फ्राई करें। मेरा यहाँ पे जो है तेल गरम हो चुका है, तो मैं एक एक करके कटलेट यहाँ पे रख रही हूँ। मीडियम फ्लेम में इसे कुक करें। तो ये दोनों साइड से जो है अच्छी तरह से कुक हो चुका है।